अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रही है इंस्टेंट ओट्स इडली, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और जल्द से जल्द बनकर तैयार होती है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ओट्स। यहाँ पर मैंने सफोला ओट्स लिया है, आप चाहे तो अपने मन पसंदीदा ओट्स ले सकते हैं, लेकिन आप मसाला ओट्स का इस्तेमाल ना करें। अब इसे लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेंगे। भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, ओट्स अच्छे से क्रिस्पी बन चुके हैं। चलिए हम इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे पीसने से पहले ओट्स को अच्छे से ठंडा कर लें। अब लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी, डालकर इसको भी लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। धीमी आंच पे हल्का सा 2 मिनट के लिए भून लेंगे। रवा भून कर डालने से इडली में अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको निकाल कर एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। अब लेंगे एक जार, इसमें डालेंगे ठंडे किए गए ओट्स, डालकर इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओट्स का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। अब लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे पिसे हुए ओट्स और ठंडी की गई हुई सूजी। डालकर दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको इडली के बैटर जैसा बनाएंगे। हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सूजी पानी को अब्सॉर्ब करती है, इसलिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देखकर पानी ऐड करें। अब इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, बैटर पानी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर चुका है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लूज करना चाहिए। आप चाहे तो ऐसे सिंपल इडली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ कुछ वेजेस, जैसा कि 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच कटा हुआ गाजर और 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आप चाहे तो इसमें इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी चाहिए। अब लेंगे इडली का पैन, इसके सेक्शन में ऑयल डालकर इवनली ग्रीस कर लेंगे। इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1-1 काजू। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे इडली का बैटर। इसी तरह बाकी के सेक्शन में भी हम फिल करेंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ये बैटर से हम तकरीबन 12 से 16 इडली बना सकते हैं। हमने इडली के कुकर में 1 गिलास पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया था। अब इसमें इडली के स्टैंड को रख के इसका लिड बंद करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, इडलियां अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसको निकाल कर 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉफ्ट और टेस्टी और हेल्दी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। आप बड़े और बच्चों को भी बनाकर खिलाइए, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एकदम सॉफ्ट और टेस्टी इडली। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और भी बेहतरीन रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।